तुम्हारी वजह से बड़ा है तैमूर। कितना मनाने की कोशिश की तुम्हें तैमूर ने, हाँ, लेकिन तुमने उसे हमेशा धुतकारा और आज उसकी मौत का जिम्मेदार तुम इन बच्चियों को ठहरा रही हो। इस घर में रहना है तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डाल लेते। मेरे बाप के जिंदा होते हुए तुम इस घर में घुस भी नहीं सकते थे। छोड़ो मुझे, इस घर में आते हैं ना ताकि इस घर की इज्जत को तार तार कर सके। बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी। अब ये फाइनल है, तुम लाइबा से ही निकाह करोगे। मैं आयजा से निकाह कर चुका हूँ। इन्हें आप रखेंगे इस घर में, हरकतें जानती हैं आप इनकी। जो भी किया बाबर कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इमल और आयजा को यहाँ से लेके जा रहा हूँ। लाइबा, लाइबा, लाइबा मेरी बच्ची। मामा बोलेगी मुझसे क्यों जा रहे हैं? मैं हैदर को बुलाए, मामा हैदर को बुलाए। हैदर कहीं नहीं जा रहा है, तुम गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। अब हैदर को बुलाए। मैं बुलाती हूँ, बैठो बैठो। आ गए मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा शुक्र है। कहाँ चली गई थी? बाप अभी अपने होशो हवास में नहीं है। मामा तो मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो सबके, चलो चलो इसे लेके जाओ अंदर। ईमल और आयजा का मेरे अलावा इस दुनिया में है कौन? कौन है जो उनका ख्याल रखेगा मेरे बाद? मैं मर गई हूँ क्या? मैं रखूंगी उनका ख्याल, मैं वादा करती हूँ, मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनको कभी तनह नहीं छोड़ूंगी। अस्सलाम वालेकुम। के बारे में सोच रहा। कितनी जल्दी चला गया ना मेरा भाई, वक्त ने हमें मौका ही नहीं दिया एक दूसरे से दुख सुख करने का, एक दूसरे को दिल की बात बताने का। नहीं, मौत पर किसी का जोर नहीं होता। इंसान का दुनिया में जितना वक्त लिखा है उसे थोड़ी ना बदला जा सकता। मेरे दिल से हाय निकलती है राबिया के लिए। मेरे भाई ने बहुत दुख सहे, हंसता मुस्कुराता था वो, लेकिन मैंने उसको जब भी देखा मायूस देखा, दुखी देखा। एक नमी थी उसकी आंखों में, बस यही बात मेरे दिल को काट के रख देती। अच्छा, बस आपकी पहले ही तबीयत खराब, आप मामू के बारे में और मत सोचते, नहीं तो ज्यादा खराब हो जाएगी। तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, मेरा बहुत दिल कर रहा है इमल और आयजा को देखने का। मैं राबिया के भरोसे उन बच्चियों को नहीं छोड़ सकती। पता नहीं कैसा सलूक कर रही होगी वो उनके साथ। अच्छा आ जाओ, मैं वहां जाके देखूंगी। अगर राबिया का रवैया उन बच्चियों के साथ सही नहीं हुआ ना, तो मैं उनको अपने साथ ले आऊंगी। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ अब, ना ख्याल रखना है बाप।
अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं एमल और आयजा को यहां से लेके जा रहा हूं। चलो आयजा। आयजा हैदर, आयजा मेरे हैदर को से छीन के ले गई है। मामा मैं मेरा हैदर, मामा आयजा, मामा लाइबा, लाइबा, मामा आयजा हैदर को लेके चली गई ना मुझसे, मैं क्या करूंगी? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं बचा। हेलो आयजा, कैसी हो? हिमल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो? हाँ, बस तुम्हें मिस कर रही हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तुम्हें गए हुए बस एक ही रात हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे सदियाँ गुजर गई। मैं तैमूर बाबा को भी बहुत मिस कर रही हूँ हिमल, बहुत ज्यादा। एक खिलत है दिल में, आखिर हमने उनकी बात क्यों नहीं मानी? क्या हो जाता अगर हम उनका यकीन कर लेते? ज्यादती तो हमने कर दिया ऐसा। पापा दिल में हसरत लिए ही चले गए कि हम उन्हें बाप के तौर पर कबूल कर लें। हम कितने बेवकूफ हैं ना इमल, सच को झूठ समझते रहे। अगर वो होते तो सब ठीक होता। एक आंसू ना आने देते हमारी आंख। मैं भी बहुत पछता रही, मगर अब इसके अलावा और कर भी क्या सकते। हैदर भी बहुत परेशान है आमना आंटी की वजह से, अभी उन्हीं को लेने गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर आमना आंटी ने मुझे कबूल ना किया तो मैं क्या करूंगी? देखो आयजा, तुम्हें साबित कदम रहना होगा, हैदर भाई का साथ देना, उनकी मोहब्बत पर यकीन रखना। क्या हुआ है इमल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो लाइबा रात को कहीं चली गई थी। क्या, कहाँ? पता नहीं, राबिया आंटी बहुत देर बाद उसे ढूंढ के लाई। उन्होंने तुम्हें तो कुछ नहीं कहा ना? मुझे नहीं, मुझे क्यों कुछ कहेंगी? लाइबा पहले तो जुनूनी थी ही, अब बिल्कुल पागल हो गई आयजा। तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लाइबा ना इतनी आसानी से हैदर भाई का पीछा छोड़ेगी नहीं। तुम मुझे डरा रही हो इमल। डरा नहीं रही हूँ, खबरदार कर रही हूँ। तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और जल्द से जल्द उस घर में अपने कदम मजबूत करने होंगे। बाद में बात करती हूँ। प्लीज चले अम्मी, मैं लेने आया आपको, चले ना। रात को तो माँ की याद नहीं आई, उस वक्त तो बीवी को सबके सामने लेके चले गए। एक बार भी नहीं सोचा कि माँ मना कर रही है, माँ की इज्जत ही रख लो। खाले, ये माँ बेटे का आपस का मामला है, अब दरमियाने ना ही बोले तो बेहतर होगा। वाह हैदर वाह, देख रही पापा, एक ही दिन गुजरा इसको आयजा के साथ
और आंखें माथे पर रख ली हैं। खाला प्लीज आप अम्मी को मजीद मत भड़काएं। हैदर तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। और मैं भी आपको यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा अम्मी। तो ठीक है फिर, मेरी एक शर्त है वो मान लो, आयशा को तलाक ला दो। आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ, मेरे वापस जाने की बस यही एक शर्त है, उसे तलाक दे दो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना तुम मुझे यहाँ लेने के लिए दोबारा मत आना। ऐसे कैसे कर सकती है मम्मी, प्लीज कुछ तो ख्याल करें। अगर मैंने आयशा को तलाक दे दी तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, कहाँ जाएगी वो, क्या करेगी वो मम्मी? ये जो पिछली रात गुजरी है ना, कयामत से कम नहीं थी। लाइबा की हालत जाके देखो, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कैसी तरफदारी कर रहे हो आयशा की? मेरी बेटी की किसी को फिक्र नहीं है। लाइबा की जिंदगी मैंने बर्बाद नहीं की, आप सब जानते हैं ये, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाली वो खुद है। हैदर मैंने जो कहना था वो कह दिया, मुझे साथ लेके जाने तो आयशा को तलाक दे दो। ठीक है, आयशा को तलाक तुम्हें किसी सूरत में नहीं दूंगा। मुझे आपका ख्याल था इसीलिए आगे आपको लेने के लिए। मैंने सोचा कहीं दूसरा ये ना कहें कि शायद मैं अच्छा बेटा ना बन पाया, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और शर्त है अम्मी, और आपका घर वापस आने का दिल चाहे तो मुझे बस एक कॉल कर दीजिएगा, मैं खुद आऊंगा आपको लेने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं, चलता हूं मैं। अरे क्या हुआ, क्या टूटा? क्या टूटा? मेरा नया सेट था ये। तो मैं क्या करूं आपका नया सेट था? कहां मैं अपने घर में रानियों की तरह रहती थी, कहां यहां नौकरानी बन गई हूं। मैंने आपको कहा है ना, मुझसे ये सारे काम नहीं होते, मत करवाया करें मुझसे। इस घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे नहीं है, मुझसे जितना होता है, जितनी मेरी हिम्मत है, जितनी मेरी हड्डियों में ताकत है, मैं कर लेती हूँ। एक दो काम करती हो, बाकी तो सब मैं देखती हूँ ना। तो इन दो कामों के लिए भी ना नौकरानी रख लें या फिर उमर से बात करें। ये आप जैसे ही लोग होते जिनको प्लेट में रख के सब कुछ मिल रहा है, लेकिन नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम दो रोटियों के लिए सारी जिंदगी जलील होंगे। अब क्या मुझे घूर घूर के देख रही है? मैं क्या करूँ, हजार बार उमर से बात कर चुकी हूँ मैं, लेकिन वो मानता ही नहीं है। मेरा तो ख्याल है आप ही नहीं जाना चाहती, वरना माँ होकर आप क्या क्या नहीं करवा सकती उससे। वैसे सॉरी टू से आंटी, अब बहुत बड़ी ड्रामा है, एक छोटा सा काम नहीं हो सका आपसे। ये जो बची कुची जिंदगी है ना आपकी, उस घर में सुकून से गुजर जाती। मैं आपके लिए सोच रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अरसलान भाई से बात करती हूँ, उनको बोलती हूँ आपकी बेटी को वापस यहाँ भेजें। वो आ जाएगी ना वापस, तब माँ बेटी मिल के सोच लीजिएगा कि उमर से कैसे बात बनवानी है। ठीक है ना? तूफा कुछ तो ख्याल करो, इस मामले में आयशा का क्या लेना देना, ये तो हमारे घर की बात है ना। क्यों नहीं है लेना देना, वो वहाँ उस बड़े से घर में आशिक करिए, मैं यहाँ इस छोटे से घर में कुड़ रही हूँ। मैं कह रही हूँ आंटी, अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो मुझे बता दें, फिर जब मैंने कुछ कर लिया ना तो फिर मत कहिएगा तूबा तुमने ये क्यों किया, आप जानती हैं मैं क्या कर सकती हूँ। तो काम पे लग जाएं और सोचें, और हाँ ये बर्तन क्लियर करें और किचन क्लियर करें और मेरे लिए चाय लेकर आएं। सर
सारी गेम उल्टी पड़ गई। मैं पहले ही कहती थी हैदर को लगाम डाल के रखे, आपको तो बड़ा भरोसा था उस पर। अब उस आयजा के कदम आपके घर में आ गए ना, अब अपनी खैर मनाए। पहले तो बेटा छीन लिया, अब छत भी छीन लेगी। नहीं देता तलाक तो मैं भी नहीं जाने वाली। जरा सा हौसला कर लेती ना तो सब सही हो जाता, लेकिन आपको तो सिर्फ अपने बुढ़ापे की फिक्र थी। जवान बेटा हाथ से जा रहा था इसलिए सेफ गेम खेलती रही, तो खुलकर खेलती ना। कैसे खेलती राबिया, मेरा एक ही जवान बेटा है, मेरे बुढ़ापे का वाहिद सहारा। तो फिर अब खैर मनाए, बुढ़ापे का वाहिद सहारा ना किसी और का सहारा बन गया। पता नहीं हालात के दिल इतने सख्त क्यों जाते हैं, माओ के तो कभी ऐसे सख्त नहीं हो सकते। उस मुसीबत आयशा को जड़ से निकाल कर फेंकना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या करूं, उन दोनों मनहूसों ने पहले मेरे घर का सुकून खाया, मेरी बेटी का नसीब चुराया, फिर मेरा शौहर खा गई, तो खाली हाथ ही रह गई। जो कि लकड़ी तो क्या, सीमेंट को लगे तो उसको भी खा जाए। लेकिन आपके पास टाइम है, यहां रहेंगी ना तो घर भी जाएगा और बेटा भी। कहना क्या चाहती हो? आप घर वापस जाएं आपा, और कुछ ऐसा करें कि हैदर का दिल आयजा की तरफ से खट्टा हो जाए और वो खुद उसे घर से बाहर निकाले। लेकिन मैंने तो उसे साफ मना कर दिया। आपका घर है, उसकी मजाल क्यों आपको रोके? यहां रहकर कुछ फायदा नहीं है, आप समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मामा ठीक कह रही हैं, आप यहां रहकर क्या करेंगे? घर जाएं और आयजा को हैदर की जिंदगी से निकाल कर बाहर करें। और मरने से पहले इन बच्चियों की जिम्मेदारी उसने मुझे सौंपी थी। अगर मेरे सामने कोई भी इनको कुछ भी कहेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ गई? तो फिर ठीक है, ले जाए इनको इस घर से, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी इनको। अपने निकाल नहीं सकती खाला यहाँ से, ये घर इन दोनों का भी है। अगर राबिया उनको वहाँ रखना नहीं चाहती अपने साथ, तो मैं यहाँ लेकर आऊंगी अपने घर में। मसला है तुम्हारे साथ, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? कैसी हो? जिंदा, सुन के खुशी तो नहीं हुई होगी। हिमल क्या हो गया है तुम्हें? क्या ना माजी भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, मुझे कॉल मत किया करो। देखो दोस्त होने के नाते ना सही, लेकिन कजन होने के नाते तो तुमसे बात कर सकता हूँ। प्लीज मुझसे एक नया रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। जो पहले रिश्ता था अभी तक उसके जख्म भी नहीं भरे, और जख्म सहने की हिम्मत नहीं है मुझे। देखो मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। उमर तुम्हारा सॉरी, तुम्हारी शर्मिंदगी कुछ भी उस नफरत को नहीं बदल सकती जो मैं तुमसे करती। ऐसा ना हो आइंदा मैं तुम्हारा कभी फोन ही ना उठाऊं, इसलिए प्लीज मुझे कॉल मत करना।
कल मैंने आपको बहुत बर्दाश्त किया, अब मुझे पहले वाली एमल मत समझिएगा। अगर आप कुछ उल्टा करेंगी तो मुझसे सीधे की उम्मीद मत रखिएगा। क्या कर लो? बेनाम से मोहब्बत, बेनाम से कहानी। आप बता क्यों नहीं रहे? आप तो आंटी को लेने गए थे ना, क्या हुआ? उन्होंने आने से मना कर दिया। मना कर दिया? लेकिन क्यों? वो कह रही है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। उन्होंने कहा जब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तब तक वो घर वापस नहीं आएगी। लेकिन तुम परेशान ना हो, मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। अगर उन्होंने आना है तो ऐसे आए, अदरवाइज शी कैन स्टे देयर। वाह बेटा शाबाश। अम्मी आ गई। आप माँ को लवारसों की तरह छोड़कर बीवी से मोहब्बतें बढ़ा रहे? नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों को देख के लग तो नहीं रहा कि तुम लोग चाहते थे कि मैं यहाँ आऊं? अम्मी आप बैग मुझे दें। आप 30 दिन अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पानी पीना होगा ना, खुद जाके पी लूंगी, जहमत मत करो। अम्मी जब तक तुम इस घर में हो ना मेरे सामने मत आया करो। तो क्या एक कमरे में अपने आप को कैद करके रख लूं? दिल करता है तुम्हारी कैंची जैसी जबान को तुम्हारे हलक से खींचकर बाहर निकाल दूं, लेकिन मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। कुछ दिन है तुम्हारे पास, यहां से निकलने का बंदोबस्त करो। मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाली, ये मेरे बाप का घर है और मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता। क्या कहा? कौन सा बाप? कैसा बाप? वो बाप जिसको तुम दोनों बहनों ने कबूल नहीं किया आज तक, या वो बाप जिसको तुम दोनों ने कब्र तक पहुंचा दिया? क्या सबूत है कि तैमूर तुम्हारा बाप है? आपको क्या लगता है आपकी इन धमकियों से और काटतार बातों से डर के मैं यहां से चली जाऊंगी? गलतफहमी है आपकी। कल मैंने आपको बहुत बर्दाश्त किया, अब मुझे पहले वाली एमल मत समझिएगा। अगर आप कुछ उल्टा करेंगी तो मुझसे सीधे की उम्मीद मत रखिएगा। क्या कर लोगी तुम? हाँ क्या कर लोगी? मैंने कहा ना बस, अब मुझे पहले वाली एमल मत समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करने की जरूरत हरगिज नहीं है। ये घर मेरा है और यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। ज्यादा भरपुरजे निकालने की कोशिश मत करना। रुखसत होके आ तो गई हो यहां पे? नहीं, तुम्हें यहां से जाना होगा। ज्यादा कुछ फहमी में मुब्तला मत होना। वैसे भी तुम्हारे पास कोई सामान वामान, मेरा मतलब है जहेज नाम की तो कोई चीज़ है नहीं जो तुम्हें समेटने पैक करने में देर लगेगी। इसलिए जिस हुलिये में खड़ी हो ना इसी में चलती बनना, समझी? शुक्रिया। उमर
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी कहिए। मैं चाहती हूँ अरसलान जो घर हमें दे रहा है हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं। इस बारे में बात हो चुकी है और मैं आपको अपना फैसला भी सुना चुका हूं। आखिर तुम मान क्यों नहीं जाते? मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतना बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं। इस घर में तो कभी पानी बंद कभी बिजली बंद, वहां पे ऐसा कोई मसला नहीं होगा। सारी सहूलतें होंगी वहां पे। इन सब सहूलतों के लिए मुझे अपनी इज्जत और अना गिरवी रखनी होगी। अम्मी ये मैं हरगिज नहीं कर सकता। बात समझे ना, मैं आपको ये सब कुछ अपने हाथों से कमा कर देना चाहता हूँ, अपने बलबूते पे, ना कि किसी से मांग कर। ये घर छोटा है, मुझे घुटन होती है यहाँ पे। पहले तो आपको कोई घुटन नहीं होती थी इस घर में, अब आपको ये घर छोटा लगता है। आपके लिए तो ये घर जन्नत था। ऐसा क्या हो गया अम्मी, क्यों आपकी ख्वाहिशात बदल गई हैं? देख बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि हमारा रहने का तरीका बदले। जिन छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए हम लोग तरसे हैं ना, वो ख्वाहिशें अगर अल्लाह ताला पूरी कर रहा है तो तू उनको ठुकरा के नाशुक्री क्यों कर रहा है? मसला क्या है तेरे साथ? तू चलने के लिए राजी क्यों नहीं होता? नहीं, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। अपने मामू के घर जाना था, तैयार हो जाए मैं आपको ले जाऊंगा। मैं भी तैयार होने जा रहा क्या भाई साहब, बहुत अपसेट लग रही हो? आंटी बहुत गुस्से में, मुझे लगता है वो मुझे घर से निकाल देंगी। देखो भाई साहब, तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था, कुछ भी तुमसे ढका छुपा नहीं है। ऐसे हालात में रिश्तों में मुश्किलात आ ही जाती हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हालात जैसे भी हो तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमाऊं और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा और जितना मैं तुम्हें जानता हूं आई एम श्योर इवेंचुअली तुम अम्मी का एतमाद जीत ही लोगी। इतना तो मैं तुम पे ट्रस्ट करता ही हूं। हैदर, मैं आपके साथ हूं, बस दिल में एक डर सा है अगर मुझसे कभी कोई गलती हो गई या जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो पाया तो। अगर आपने कभी रास्ता बदलने का सोच लिया, अल्लाह ना करे ऐसा कभी कोई वक्त आए मैं तुमसे अलग होने का तसव्वुर भी करूं, लेकिन सवाल यह है कि अब जब तुमने सोच लिया है तो क्या मतलब? मतलब यही कि अगर कभी मैं तुमसे अलग हो जाऊं तो तुम क्या करोगी? तो मुझे डरा ही दिया था। लेकिन एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी, एक्टिंग कितनी अच्छी करता हूं मैं।
लुक एट मी, आई प्रॉमिस यू वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं तुमसे अलग होने का सोचूं भी, कभी नहीं। अगर कभी ऐसा वक्त आया ना तो मैं मर जाऊंगी। डोंट वरी, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। अच्छा अब इमोशनली होते ज्यादा, बल्कि काम करते हैं, जल्दी से रेडी हो जो हम एमल से मिलने चलते हैं। वो भी पता नहीं क्या सोचती होगी कि कैसा भाई है, मुड़ के पूछा भी नहीं है। ठीक है फिर मैं अपने कपड़े भी ले लूंगी वहां से। I'm so sorry, I completely forgot. हमें काम करते हैं, पहले शॉपिंग पे चलते हैं, मैं तुम्हें अच्छे से कपड़े दिलाऊंगा फिर हम चलते हैं। Actually, you know what? I have a better idea. हम एमल को भी साथ क्यों नहीं ले जाते? उसको कॉल करके पूछो। हाँ ठीक है। हेलो हेलो एमल, कैसी हो? ठीक हूँ। अब क्या कर रही थी? कुछ नहीं, क्या करना है। अच्छा ठीक है, तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं और हैदर आ रहे हैं तुम्हारे पास। हम एक्चुअली शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो सोचा तुम भी हमारे साथ ही चलो। नहीं 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 आयजा, मैं नहीं जा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी अब एमल, हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है बाय। आए पर बहुत हो गया, मैं एमल का कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहती हूँ। कैसा बंदोबस्त? ऐसा बंदोबस्त कि लड़की कभी भी वापस ना आए, मुझे एमल मेरी मेरी बेटी की जिंदगी से और इस घर से हमेशा के लिए दूर चाहिए। नहीं मामा, इस बार हम ऐसी कोई स्टूपिडिटी नहीं करेंगे। तो उसका तो मतलब ये हुआ ना कि ये दोनों बहनें सारी जिंदगी हमारे सरों पर अजाब बनी रहेंगी। तो मसला क्या है, अब तो आपके शौहर भी नहीं रहे। मेरा मतलब है पहले उनकी सपोर्ट मिल जाया करती थी, अब तो आप हाथ से पकड़ के घर से निकाल सकते हैं। अगर बाबा नहीं रहे तो क्या हुआ, हैदर की सपोर्ट तो है उनके साथ, अगर हमने एमल को घर से निकाल दिया कहाँ जाएगी वो, हैदर के घर ना। अभी हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा जिससे हैदर की सिंपैथी इनको फिर से ना मिल सके। इसकी सुन लीजिए भाजी, हमेशा जज्बाती बातें करती। जज्बाती मैं नहीं, आप दोनों हो रहे हैं। कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा। देखिए भाजी मैं चलता हूँ अभी, आप लोग जब फैसला कर लें कि क्या करना है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँ। चलो ऐसा पता है, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। कैसी हो? मैंने भी बहुत मिस किया था। तुम कैसी हो? ये क्या हुआ एमल? ये किचन में काम करते हुए लग गई थी। सच बोल रहे हो? हाँ तुम भी ना बाल की खाल निकालने बैठ जाती हो। एमल मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये कैसे हो? आंटी ने किया है ना ये? मैं भी हैदर से बात करती हूँ, वो खुद ही बात करेंगे आंटी से। हैदर भाई को बताने की कोई जरूरत नहीं, देखो अगर मुझे यहाँ रहना है ना तो मुझे इस सब की आदत डालनी होगी। तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि मेरे साथ चलो, मेरे घर, वहां तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा।
महफूज तो रहोगी। जब तक तुम यहाँ रहोगी ना, आंटी का जब दिल चाहेगा वो अपनी भड़ास तुम्हारे ऊपर निकालेंगी। यहाँ हमारे बाबा रहते थे आयजा, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? उनकी इतनी यादें हैं यहाँ, वो मुझे यहाँ चलते फिरते नजर आते। मुझे ये गिल्ट सोने नहीं देता कि हमने उन्हें इतना तंग किया। वो हमारे साथ इतने अच्छे थे, हम उनकी अच्छी बेटियां नहीं बन सके, और अब हम अच्छी बेटियां कभी नहीं बन सकेंगे। क्या हुआ? यहाँ तो रोने धोने का प्रोग्राम चल रहा है। हैदर भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? अच्छा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हमें जाने और फिर वापस भी तो आना है। मुझे बस 5 मिनट है। हाँ चलते हैं, मुझे वापस आकर पैकिंग भी करनी है, अपना सारा सामान लेकर जाना है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी तबीयत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, बस जरा बीपी लो था और चक्कर आ रहे थे। दवाई ली आपने? ख़त्म हो गई थी, मुझे उमर को बताना याद नहीं रहा, मंगवा लूँगी। हद करती हैं अम्मी आप, इतनी गैर जिम्मेदार क्यों हो रही हैं? आप तो वैसे भी भूल जाती हैं, कम अज़ कम तूबा को बता दें, वो उमर को याद दिला दिया करेगी। हाँ हाँ अब यही करूँगी, मेरी तो याददाश्त भी अब तेज नहीं रही। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र अम्मी। अरसलान कैसा है? अरसलान भी ठीक है। अच्छा अम्मी ये बताएं, आप वो एमल और आयजा की तरफ गई थी? क्या सोचती होंगी वो कि हमने मुड़ के उनके बारे में पूछा भी नहीं? हाँ मैं भी नहीं जा सकी, तबीयत ठीक हो तो जाऊँ ना। आप मुझे उनका नंबर दे दीजिएगा, मैं उन्हें फ़ोन कर लूँगी। हाँ भेज दूँगी, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं तम्मी की। यकीनन। आयशा अगर टाइम मिले तो घर का चक्कर लगाओ ना, उमर से बात करो कि वो घर शिफ्ट कर ले। भाई मुझसे अब घर के काम नहीं होते, मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है, मेरी तो वो सुनता ही नहीं। अम्मी आप उमर को जानती हैं कि वो कितना जिद्दी है, वो कहाँ मेरी सुनेगा। जब उसने एक फैसला ले लिया है मुझे नहीं लगता कि वो उससे हटेगा अब। लेकिन अगर तुम आकर बात करोगी तो वो ज़रूर मान जाएगा। चले मैं कल चक्कर लगाती हूँ आपकी तरफ। बिल्कुल, चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ अल्लाह हाफिज़।